तो आज के हमारे इस क्लास में हम समझेंगे कि डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन होता क्या है। ठीक है सर, कंसेप्ट, थ्योरिकल कंसेप्ट समझते हैं डेटा एनालिसिस क्या होता है। ऐसे आप किताबों में पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेगी, ठीक है ना, लेकिन मैं यहां किताबों वाली बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल आम समझने वाले। तो क्या है डेटा एनालिसिस को हम सिंपल शब्दों में, सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं, सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं किसी एक कंपनी में, मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी है ना जस्ट डायल, आप जस्ट डायल में काम कर, जस्ट डायल का काम क्या है, जस्ट डायल का काम है कस्टमर की कॉल्स को लेना और उन कॉल्स को, उस कॉल्स को पे जो उनके एड्रेस वेड्रेस है कंपनी को देना, और जो चीजों की डिमांड किया है उसका रेफरेंस उनके वेंडर को देना, यही उनका काम। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या है, मतलब क्या समझाना चाहता हूं। तो मैं आपको एक केस स्टडी दे रहा हूं जिसमें आप समझेंगे चीजें। तो मैंने बताया आपको कि आप जस्ट डायल में काम करते हैं, आपका काम क्या है, आपका काम है पर्सनल। अब हुआ क्या कि आपके जो कंपनी ऑनर है उन्होंने बोला कि आप फिलहाल दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं, आप जो है कल से जो है दिल्ली के लिए नहीं, आप कल से दिल्ली और हरियाणा दोनों के लिए काम, ठीक है, कल से आप दिल्ली और हरियाणा दोनों के लिए काम। अब क्वेश्चन आता है कि आप जो है हरियाणा के लिए कितने एम्प्लॉय की डिमांड, कैसे पता लगाएंगे कि हमारा मैन पावर क्या होना चाहिए। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे कि हमारा मैन पावर क्या होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मान लीजिए अभी इसके लिए एनालिसिस करते हैं कि आपका जो है 20 एम्प्लॉई का एक चल रहा है, 20 जो है एम्प्लॉई का एक आपका टीम है, जो कि आपका जो 20 एम्प्लॉई का टीम है जो कि 8 घंटे आपके साथ काम करता है, 8 घंटे में 1 घंटा लंच और एक आधा घंटा का ब्रेक लेके आपका जो है 6.5 घंटे का वर्क आपको देता है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे अपनी कैपेसिटी कि आपकी फिलहाल कैपेसिटी कितने कॉल्स की है, और आपने लगाया एएसटी निकाला, मतलब कि एवरेज हैंडलिंग टाइम, एक कस्टमर पे 90 सेकेंड का हमारा टाइम एवरेज देना होता है, तो 6.5 घंटे हैं, तो इस 6.5 घंटे को आपने इसको किसमें, सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड्स में। तो आपके पास एक, यहाँ पे एक इम्प्लॉय की 23,400 सेकेंड्स है, अगर इसमें अगर हम डिवाइड करें 90 सेकेंड्स को तो 260 कॉल्स एक इम्प्लॉय पर डे ले सकता है, और 20 इम्प्लॉय है इसका मतलब है कि आपका मल्टीप्लाई बाय 20, तो आपका 5,200 कॉल्स लेने की कैपेसिटी है, राइट। अब आप फिलहाल जो है दिल्ली में क्या चल रहा है, तो आपने 6 महीने साल भर का डेटा निकाला, उस पे समय निकाल के पता चला कि एवरेज जो है मेरा हर दिन जो है वो तकरीबन 3600 कॉल्स हम अटेंड कर रहे हैं, तो 5,200 की कैपेसिटी है, 3600 आप ले रहे हैं,
तो कितना बचा, 1600 कॉल्स। 1600 कॉल्स की कैपेसिटी आपकी अभी खाली है, आप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगला क्वेश्चन आता है कि आप जो है अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनसे पूछेंगे कि भाई ये बताओ कि अगला जो एचआर इसका हरियाणा का जो ये है कॉल्स आप दे रहे हो उसका क्या फोरकास्टिंग है, कितना कॉल्स आए। तो हरियाणा बोल रहा है कि तकरीबन हरियाणा बहुत बड़ा क्षेत्र है, आपको इसके लिए कम से कम नहीं भी तो 7500 कॉल्स आएंगे। इसका मतलब है कि 7500 माइनस 1600 हम करेंगे तो 5900 कॉल्स की डिमांड है, 5900 कॉल्स की। अब इस 5900 कॉल्स का मतलब हुआ कितने इम्प्लॉय, तो एक इम्प्लॉय जो है कितना कॉल्स लेता है, 260। क्या लेता है, 260 कॉल्स लेता है। तो 260 नहीं, टू एक इम्प्लॉय नहीं, 260 कॉल लेता, हाँ 260 लेता, सॉरी। तो 22 एम्प्लॉई की जरूरत है। तो ये तो हो गई ओवरऑल, अब एनालिसिस एक तरह से नहीं, अब ये हो गई 2200। अब आप जो है खुल के बोल सकते हैं ना कि मुझे 22 है बैकअप, मान लीजिए 5 बैकअप ले लें तो मुझे 27 एम्प्लॉई की जरूरत। तो आपका बॉस ये थोड़ी बोलेगा, क्योंकि तो आप सीधे बोलेंगे सर एक काम कीजिए 50 बंदे दे दीजिए, तो बॉस बोलेगा ना कि भाई 50 बंदे किस चीज के लिए चाहिए तुम्हें। आप बोलेंगे 20 बंदे, अच्छा आप अपना रुपया ठीक है मुझे 15 बंदे दे दीजिए, फिर प्रॉब्लम क्या होगा कि आपके वर्क परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि जैसे आप अगर ये तो बहुत बुरा है, अब इसको छोटे पे समझते हैं। जैसे आप कॉलेज लाइफ में पापा से पैसा मांगते थे कि भाई पॉकेट मनी दी, या फिर मान लीजिए आप बड़े हैं आपके बच्चे बड़े हुए कॉलेज जा रहे हैं वो आपसे डेली पैसा मांग रहे हैं, तो कभी आप उसको 500, कभी आपको 200, कभी आपको वो 1000 दे देते। एक दिन हो गई आपकी थोड़ी सी दिक्कत, आपने बोला यार ऐसे तुम पैसा मांगते हो, एक दिन आके वो आपसे 2500 मांग दिया, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, या आपके पापा का रिएक्शन क्या रहा होगा, या 2500 क्यों चाहिए इतना, तू एक बार बता दे तुम्हें महीने में कितना चाहिए और किसको तुम एडजस्ट कर लो। तो कहने का मतलब है कि वो सीधे बोलेगा मुझे महीने में 10,000 चाहिए, तो आप बोलेगा ना कितना पैसा उड़ाएगा, 10,000 चाहिए महीने पॉकेट मनी, राइट। लेकिन अगर आप क्या करें कि पिछले 6 महीने का डेटा निकाले कि आपके पापा ने पैसे कितने दिए हैं टोटल महीने में, तो यहाँ पे किसी दिन 100 रुपये दे दिए, किसी दिन 200 दे दिए, किसी दिन 500 दे दिए, पता चला कि आपके पापा ने महीने में जो है 8,000 रुपये महीने में पॉकेट मनी दिया। इसका मतलब है कि 8,000 डिवाइड बाय 30, 266 रुपये। अब दो ये आप 266 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दीजिए 8,000, तो आप कहेंगे पापा या तो मुझे 266 रुपये पर डे या फिर 8,000 का मंथली दे दीजिए। ठीक है ना, तो आपको पूछेंगे 8,000 क्यों, तो आप बताइए ना उसको कि देखिए आप जो पिछले 6 महीने से मुझे पैसे दे रहे, जो मैं 6 महीने से खर्च कर रहा हूं उसके हिसाब से महीने के 8,000 पड़ते हैं। तो आपका पापा बोलेगा ठीक है चलोगे, ठीक हुआ ना सर। एक पीछे आपने डेटा एक डेटा दिया। उसी तरह से एनालिसिस क्या होता है कि अगर आप कोई सर्विस डिमांड कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस आपकी चल रही है उसके मौजूदा जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से एक इंफॉर्मेशन आप निकालते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन जो मैं निकाला एक हर एंगल से निकालना होता है। अब इसमें ये भी तो होगा ना कि अगर मान लीजिए कि मुझे मेरे पास 20 बंदे हैं तो कॉल्स है, तो कभी 260 कॉल्स है, तो ऐसा हो सकता है कि सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 4 बजे, शाम के 4 बजे तक कॉल्स काफी ज्यादा आते हैं जहां पे मुझे इम्प्लॉय ज्यादा चाहिए, रात में कम आते हैं मुझे कम चाहिए। क्या तो फिर आपको एनालिसिस क्या बनाना पड़ेगा, आवरली होना चाहिए कि भाई किस पीरियड से किस पीरियड तक मतलब कितने कॉल्स आते हैं, उस समय मेरे बंदे कितने होते हैं, उसके हिसाब से भी आपको लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका 24x7 है। तो डेटा एनालिसिस यही होता है कि आप एक डेटा को, आपके पास कोई रॉ डेटा आया
उस रॉ डेटा को एनालाइज करके आपने एक इंफॉर्मेशन निकाला। जैसे इस तरह का रॉ डेटा आया, उसको आपने इस तरह से समराइज करके निकाला। जैसे यहाँ देखिए कि टोटल सेल्स ये रहा, सब मेरी टोटल प्रॉफिट ये रही, आपका ये इसके ऊपर कैटेगरी के हिसाब से आपकी ए सेल्स है, सिटी के हिसाब से ए सेल्स है, स्टेट के हिसाब से ए सेल्स है, ईयर के हिसाब से ए सेल्स है, ठीक है। बट प्रॉब्लम है कि इस तरह के जो देख रहे हैं तो इस तरह में समझने में दिक्कत हो रही है। तो डेटा एनालिसिस ने क्या किया, डेटा को समराइज करके कैलकुलेट करके आपने एक समरी क्रिएट किया जिससे इंफॉर्मेशन पता चल रहा है। बट वो इंफॉर्मेशन इजी टू यूज नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, समझे। तो हमने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन को विजुलाइज किया इस तरह से, जिसको हम डैशबोर्ड भी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं रिपोर्ट विजुलाइजेशन। क्या कहते हैं, रिपोर्ट विजुलाइजेशन। यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि टोटल सेल्स ये रहा, टोटल प्रॉफिट ये रहा, 12% का प्रॉफिट रेट, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे दिखाया कि भाई मेरे जो टॉप कैटेगरीज है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि टॉप कैटेगरी कौन सा है और सबसे लोअर जो है फिटनेस और लेवल्स है। स्टेट वाइज मुझे पता चल रहा है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा सेल है, तो आपको पता चल रहा है कि जो अलास्का है हमारा, तो सॉरी ये क्या बोलते हैं उसको, टेक्सास जो है उसमें सबसे ज्यादा सेल्स है, ठीक है सर। उसके अलावा ईयरली पता चल रहा है प्रॉफिट, कि मेरा जो प्रॉफिट परसेंटेज ईयरली है उसमें हम देख पा रहे हैं कि 2017, 2021, 2020 और 2022 में 22 सबसे ज्यादा सेल किया है, ठीक है, 22 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद एक चीज और है कि यहां मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो सेल है कुछ इस तरह से ईयरली हम ग्रोथ कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि किसी साल ज्यादा है किसी साल कम है, हम सीधे अपने ग्रोथ ही पाथ पे ये धीरे धीरे हम ग्रोथ कर रहे हैं। कि हमने 2019 में स्टार्ट किया था 1000 क्वांटिटी से और हम चले गए 3000 क्वांटिटी, फिर हम ईयर एंड होते हुए हमने 3000 क्वांटिटी से थोड़ा सा ऊपर गए हैं। उसके बाद हम जब 35 क्वांटिटी पहुंच चुके, अभी हमारा 4500 क्वांटिटी के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है ना। तो पता चला कंटिन्यूस बढ़ रहा है। एक चीज इस पैटर्न से एक चीज और पता चल रहा है कि मेरा पीक सेल जो होता है क्वार्टर फोर होता है। क्या होता है, क्वार्टर फोर। तो इससे मुझे, हाँ इससे मुझे पता चला कि क्वार्टर फोर को मैं अपना जो स्टॉक है वो मेंटेन रखू, स्टाफ को छुट्टियां ना दूं, तो सेल तो स्टाफ ही करते हैं ना सर, तो स्टाफ को छुट्टियां ना दूं, इसके बाद कुछ ऐसा काम ना करूं जिससे मेरा सेल्स इफेक्ट हो। अगर कुछ करना है तो मैं वो क्वार्टर वन में करूंगा, क्योंकि क्वार्टर वन में सेल्स कम होता है, मैन पावर हमारी फ्री होती है, ठीक है सर। क्लियर है, कोई डाउट सर इसमें। हाँ नहीं, चलिए इसको बाद में आएंगे ना, कैसे आप हाँ ये सब पढ़ाऊंगा, ये आपको सब पढ़ाऊंगा जी 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 ये मैंने आपको समझाया कि डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुलाइजेशन होता क्या है, ठीक है ना। लोग कुछ लोग मान लेते हैं कि डैशबोर्ड ही डेटा विजुलाइजेशन, नहीं डैशबोर्ड ही डेटा एनालिसिस होता है, नहीं डैशबोर्ड होता है डेटा विजुलाइजेशन। डैशबोर्ड के लिए जो चीजें प्रिपेयर करते हैं होता है डेटा एनालिसिस, कि एक रॉ डेटा मिला, उस रॉ डेटा के ऊपर आपने एनालाइज करके निकाला कि भाई जो ये है रिपोर्ट मेकर, जो डिसीजन मेकर है उसको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। और हम ऐसे नहीं कि चार्ट उठाए और बना दिए, चार्ट बनाने के पीछे रीजन होगा कि हमने चार्ट क्यों बनाया। जैसे कि अगर हम बात करें इस चार्ट की, तो हमने इसलिए बनाया ताकि अगर हम टॉप प्रोडक्ट की क्वांटिटी को मेंटेन रखे
स्टॉक को मेंटेन रखें, और जो लोअर काटी क्वांटिटी है उसकी स्टॉक ज्यादा ना करें, क्योंकि अगर ये स्टॉक ज्यादा कर दिए तो इसके रखने की जगह नहीं मिलेगी, या फिर हमारा जो कैपिटल है इधर खर्च हो जाएगा, क्योंकि ये टॉप सेलिंग नहीं है। टॉप सेलिंग जो है ये रहा हमारा, फोन हो गया, चेयर हो गया, स्टोर हो गया, टेबल्स हो गया, बाइंडर हो गया, टॉप 5 ये है। उसके बाद हमारा जो स्टोर है, जिस स्टेट में स्टोर है उस पर ध्यान रखें, किस किस स्टेट में हमारा स्टोर है। जैसे कि ये देखिए हमारा स्टोर है कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया सबसे अच्छा परफॉर्म करता है 458 की। कैलिफोर्निया के बाद जो है हमारा पे कर रहा है टैक्सेस, उसके बाद सब छोटे मोटे हैं, ठीक है। ओके अब जैसे कि ये देखिए 5K है आपका लावा में, 5K है यहाँ पे, 1K है, तो इस सब पे उतना ध्यान नहीं देंगे, अपना स्टॉक को इधर मेंटेन नहीं करेंगे हम। स्टॉक को मोस्टली स्टॉक को यहाँ और यहाँ मूव करेंगे, और बाकी जगह पे उसी के सेल के परसेंटेज हिसाब से मूव करेंगे, ठीक है। ओके ओके तो ये चीज पता चलता है, तो डेटा एनालिसिस यही होता है, समझ में आया। अब इसको यूज आप एक्सेल पे करें, पावर बीआई पे करें, जहां भी करें यही होता है। लेकिन ध्यान रखिए, डेटा जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं उसके पीछे एक होता है कि हम रिपोर्ट क्यों बना रहे हैं, रिपोर्ट में जो चीज हम दिखा रहे हैं वो क्यों क्यों दिखा रहे हैं, क्या रीजन है दिखाने का, ठीक है। ठीक इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बारी आती है प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग, सीखने के लिए क्या प्रिपरेशन करना हो। अब आपको पहले से एक्सेल आता है, नो डाउट, लेकिन क्या है, हो सकता है कि आपको जो एक्सेल कितना आता है, कितना पहले से जानते हैं उसके बारे में आइडिया तो नहीं है ना मुझे सर। तो बिल्कुल ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हम एक प्री रिकॉर्डेड वीडियोज मेरे पास है, वो हम अपने एम्प्लॉई को, अपने स्टूडेंट को देते हैं देखने। उससे क्या होता है कि मुझे पता लग जाता है कि एटलीस्ट इतना तो इसके बारे में जानता है, जरूरी नहीं कि वो आता ही है उसके एक्सपर्ट, बट हाँ उतना वो जानता है। तो आपको अभी मैं व्हाट्सएप पे 5 घंटे की वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब लिंक के जरिए, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस वीडियो का आपको पूरा देखना ही है, बट मैं ये कह रहा हूं कि आप एक बार चेक कर लीजिए इसको, जो चीज आता होगा उसको फॉरवर्ड कर लीजिएगा, जो चीज नहीं आता हो उसको आप बैठ के देख लीजिए, ओके ठीक है। एक बार उसको देख लीजिए, तो क्लियर है कैसे जी। नहीं तो वो चीज जो ये जो जो वीडियो में जो चीजें दी गई है उसको मैं पूरा समझाऊंगा, ऐसा बात नहीं समझाऊंगा, उसको पूरा समझाऊंगा मैं, अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन क्या है कि उसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा बिल्कुल जी। बिल्कुल ठीक है। ओके। तो आज